पेट बाहर आना महिलाओं में एक बहुत ही आम चीज़ है। ये आप सोचो तो डिलीवरी के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल बहुत ज़्यादा वेट गेन करती है, प्लस उसका जो पोस्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द एब्डोमिनल प्रेशर, मीन्स एब्डोमिन के अंदर जो प्रेशर होता है। अब ये सवाल उठता है कि एक महिला के दिमाग में ये सवाल उठता है, बहुत ही उसको स्ट्रेस होता है कि मैं कैसे अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेट पर आ जाऊँ। तो बेसिकली ये मैजिक नहीं है, इसके लिए एक महिला को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सच पूछे तो फीमेल्स की बॉडी ऐसी बनी है, वो तो शुरू से ही मेहनत करती आती हैं। तो महिलाओं को इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उनको कोशिश करना चाहिए कि जो उनको टाइम मिला है, ये नहीं कि अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस में डाल रहे हैं और डिलीवरी हो गई तुरंत तो तुरंत सोचें कि मैं पोस्ट प्रेगनेंसी वेट पर चली जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी बिल्कुल एंजॉय करनी चाहिए, मीन्स प्रेगनेंसी में आपको खाने से डरना नहीं चाहिए ये सोच के कि आप मोटे हो जाओगे। एंड पोस्ट डिलीवरी भी आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, क्योंकि जितना आप ब्रेस्ट फीड करोगे उतना आपका जो एब्डोमिनल फैट होता है चला जाता है। दूसरा, आप अपने आप को मोबाइल रखने की कोशिश करो, बिकॉज यूजुअली क्या होता है जब बेबी होता है तो आप बेबी को देखना शुरू कर देते हो और अपनी मोबिलिटी, अपनी एक्सरसाइजेस आप भूल जाते हो, वो बिल्कुल गलत है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर आप टाइम निकालो एक्सरसाइज के लिए। अब औरतों के साथ क्या होता है, जब वो डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑफिस भी ज्वाइन कर लेती हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ करनी चाहिए, जैसे वो लंच ब्रेक में मान लीजिए लंच ले रही हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठी हैं, तो लंच ब्रेक में डेस्क पे बैठ के खाने से अच्छा है कि वो एक बाइट लेकर के वहीं पे 10 मिनट स्टॉल कर लें, चाहे तो अपने शूज ले जाएं, कॉर्पोरेट एरिया में स्टॉल कर लें, चल लें इस तरह से, मतलब जैसे अगर लिफ्ट पे चढ़ रही हैं तो सीढ़ियां लें, इस तरह से करें। साथ में जो कुछ घर के एक्सरसाइजेज होते हैं, योगा एंड ऑल दैट, जो घर के मोबिलिटी एक्सरसाइजेज होते हैं, पेट रिलेटेड एक्सरसाइजेज होते हैं, वो करने शुरू कर दें, बिकॉज वो तो वो रात को भी कर सकती हैं, बिकॉज यूजुअली वो जाएंगी, वो बोलेंगी हम जिम नहीं जा सकते बिकॉज हम बहुत टायर्ड हैं, ये तो बट ऑब्वियस है कि वो टायर्ड होंगी बिकॉज उनके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरी बात है, सिर्फ जिम करने से उनका वजन बिल्कुल नहीं कम होगा, बिकॉज एक बार उनको 9 मंथ्स खाने की आदत लग गई है तो उनको अपना फूड भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरत नहीं है कि आप डाइटिंग करो, क्योंकि जब आप डाइटिंग करोगे तो ऑब्वियसली आप वीक हो जाओगे। आपको खाते रहना है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल, बस बट कंट्रोल्ड मेजर्स में खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, प्रोटीन्स आपको लेने हैं, अकॉर्डिंगली आपको अपना डाइट चार्ट बनाना है आपके बॉडी के अनुसार, बिकॉज बहुत लोगों को अलग अलग डाइट्स सूट करते हैं, वो आपको ढूंढना है कि आपको क्या सूट करता है बेस्ट। एंड साथ में अगर आप ये एक्सरसाइज विथ डाइट अगर आप कंबाइन करोगे और स्ट्रेस फ्री रहोगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ नहीं तो अपनी बॉडी को लेकर ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, बिकॉज और लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, तो आपको उससे कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए बॉडी शेमिंग से, बिकॉज ये तो आपकी मदरहुड की बॉडी है एंड ये जो वेट है ये धीरे धीरे चला जाएगा, अगर आप लग के करोगे तो डेफिनेटली आप वापस अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेज पर आ जाओगे।